मेरा सवाल आपसे है, 26 यानी तरमीम के मुताबिक सवाल है कि आखिर कब तक हम रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करते रहेंगे एक फर्द और एक जमात को फायदा देने के लिए। एक दो बच्चों ने पूछा मौलाना साहब को डीजल कहना है कि नहीं कहना। मैम से है कि जब इमरान खान का दौर चल रहा था तो सब ये कह रहे थे कि महंगाई चल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जैसे कि उनकी हुकूमत खत्म हुई उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई तो अभी तक भी चल रही है, तो क्या शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रही थी कि ये बिल्कुल फजूल सवाल है कि अमेरिका के नीचे जो लगे हुए हैं वो जेल में बैठे हैं और जो अमेरिका के नीचे नहीं लगा वो अमेरिका घूम रहे हैं, ये आप जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अपने रिक्शे भेजे हैं, बिरयानियां भेजी, नारा लगाया है बिरयानी शेर की और वोट इमरान खान का, मुझे झूठा करके। अच्छा यही पीडीएम है, सेम शक्लें बस पोजीशन चेंज होती है। पिछले दो साल से ट्विटर, आप जब से आए इस हुकूमत ट्विटर बंद है, आपके वजीर आजम वीपीएन के साथ चलाते हैं, जब हम चलाते हैं हमें क्यों उठाते हैं, वाई हम जेल क्यों जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान यंग स्टूडेंट्स ने नून लीगी उज़्मा किरदार से ऐसे तल्ख सवालात पूछे जिनका उज़्मा किरदार के पास कोई भी जवाब ना था। शो में बैठे उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के सीनियर वकील अज़र सदीक ने जब उन पर तनकीद की तो सारा हाल तालियों से गूंज उठा, मगर उज़्मा किरदार भड़क उठी। फिर क्या हुआ, आइए पहले आप वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। बेसिकली जो बच्चे का कंसर्न है ना, मैं आप दोनों के सामने रख देता हूँ, खासतौर पर उज़्मा साहब आपके लिए। मेरे ख्याल में इनका एक और जो मेजर कंसर्न है एंड बीइंग विद द यूथ, ये लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपकी जमात नून लीग जो है इसमें क्या ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, साल बदल जाए, डेकेड्स बदल जाए, अब तो सदी भी बदल जाए, सरबरा रहेगा तो कोई शरीफ ही रहेगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं बन सकती? मैं तो मैं अगर देखूँ मुस्लिम नून की सदर उज़्मा कारदार, कितना जबरदस्त लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह। तो आप क्यों नहीं? देखे ना, अभी अभी जो आप पीटीआई में झगड़ा देख रहे हैं वो कौन पार्टी चला रहा है, या उनकी दो बहनें हैं या उनकी बेगम है। एक लॉयल्टी और एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एंड यू नीड टू ट्रस्ट समबडी टोटली। आप इंडिया में देख लें, आप ये बांग्लादेश में देख लें, वहां पे भी क्यों इस तरह से होता है? कौन सा बांग्लादेश? अच्छा, और मरियम नवाज ने उठा के बाहर फेंका। मरियम नवाज आग के दरिया से गुजर के यहां तक पहुंची है, उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। आज 2024 है, यू टेल मी, मैं आपसे पूछता हूं कितने साल के बाद ऐसा दिन आएगा कि ये बच्चे मुस्लिम लीग नवाज की सदारत किसी शरीफ खानदान से बाहर देखेंगे, बताएं, आप बताइए। देखिए, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद शाहिद खाकान अब्बासी कौन थे? जी, तो वजीर आजम की बात, वो वजीर आजम बने ना, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने ना, वो आपकी मजबूरी थी जी, वो आपकी मजबूरी थी, बन तो गए ना। मेरा नाम मारिया फीका और मैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि जब इमरान खान का दौर चल रहा था तो सब ये कह रहे थे कि महंगाई चल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जैसे कि उनकी हुकूमत खत्म हुई उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई तो अभी तक भी चल रही है, तो क्या शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं इसका जवाब दे दूँ मंसूर। देखिए, वही बात है कि आप लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं। आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत के बाद 38% इन्फ्लेशन थी, आज इस वक्त सिंगल डिजिट में 6.7% है इन्फ्लेशन। आप खुदा के लिए जाके चेक तो करें कि हो क्या रहा है। चार दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम की गई है, अब बिजली की कीमत में भी कमी आई है, आपके घी से लेके चीनी की अभी कीमत में कमी आई है, आपके आटे में कमी आई है, आपकी रोटी कम हुई है, आपको क्यों नहीं ये चीज़ें नज़र आती? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब खालिद है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। सर से मेरा क्वेश्चन है, इमरान खान की लेगेसी क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, और ये कब छूट रहे हैं? वैसे पता तो नून लीग को होगा कब छूटना है। और मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रही थी कि ये बिल्कुल फजूल सवाल है कि अमेरिका के नीचे जो लगे हुए हैं वो जेल में बैठे हैं और जो अमेरिका के नीचे नहीं लगा वो अमेरिका घूम रहे हैं, ये आप ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सिर्फ मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट करता हूँ, बेटा आपने बड़ी सही बात की है। सवाल ये नहीं है, ये पिछले साल के मुकाबले में जो बढ़ रही थी महंगाई उसकी बात कर रहे हैं। जो पिछले साल महंगाई जहाँ चढ़ी गई थी वो वहीं खड़ी है, बजाय ये कि उस रेशो से बढ़ती वो 8% या 7% बढ़ी है।
महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई आपकी रोटी की क्या कीमत है जो कि 14 रुपए पे अब आई है। अच्छा ये अगर आप इजाजत दे दें मुझे 4 दिन पहले 25 रुपए इंटरसेप्ट कम हुई है। मैं देखे ना वो एक झूठ बोलने की इजाजत है किसी को इन बातों पर यकीन है झूठ नहीं है किसी को आगे चले जी आगे मुस्लिम लीग नून ने क्या धांधली नहीं की। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में जितनी इलेक्शंस हुई हैं उन सब के बाद लोगों ने उसके साथ बात करी ने कहा जो आप थी हर पार्टी का मुझे पता है आपकी बात पे समझ नहीं पाई है। मैं आपको तो आज की धारा में हुई है अभी मैं बताती हूं आपके सवाल का जवाब 2018 में आपके सवाल का जवाब मैं खुद दूंगी। मैं छोटा से मुझे बड़े शहरों का नहीं पता उन्होंने हिडन पे चीजें आप बताएं किस तरह हुई है बताएं। मैं वही बताना चाह रही हूं मैं छोटे से टाउन बसीरपुर से बिलोंग करती हूं वहां पे बकायदा खुद जो कि मुस्लिम लीग वाले थे उन्होंने अपने रिक्शे भेजे हैं बिरयानियां भेजी और मजदूरों को एक एक का दाना दिया जाए ठीक है। मैं आगे से बकायदा खुद जो इमरान के सपोर्टर थे वो ये बात करते रहे हैं उन्होंने नारा लगाया है बिरयानी शेर की और वोट इमरान खान का मुझे झूठा करके चले। थैंक यू थैंक यू। रीकाउंटिंग का मतलब क्या है धांधली रीकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया है धांधली है कि नहीं आगे यानी हम खुद ही मान रहे हैं रीकाउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने बता दिया इनको अपनी किसी इन्होंने इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल राइट नहीं लगाए आप पाकिस्तान लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन का दांत खुद मुख्तार इदारा है। चले 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 ये सवाल है उस्मान साहब ये सवाल लें नहीं है नहीं है पंजाब में क्यों नहीं था पंजाब में नहीं है शून्य छोड़ा शयानवीर नाम फ्रॉम चित्राल केपी के मेरा सवाल डायरेक्टली मैम उज्मा से है। पिछले लास्ट 2 ईयर से यही पीडीएम है सेम शक्लें बस पोजीशन चेंज होती हैं। पिछले 2 साल से ट्यूटर आप जब से आए इस हुकूमत ट्यूटर बंद है आपके वजीर आजम वीपीएन के साथ चलाते हैं जब हम चलाते हैं हमें क्यों उठाते हैं भाई हम जेल क्यों जाते हैं। अगर जो बात होती है जरूरी नहीं कि वो सच हो और जरूरी वो प्रोपेगेंडा भी होता है वो फेक न्यूज भी होती है। आई एग्री विद यू मगर 90% अवाम इस पाकिस्तान में झूठ नहीं बोल सकती। व्यूज के लिए और डॉलर्स कमाने के लिए भी बात की जाती है आपको पता होना चाहिए। मंसूर साहब आप भी फैक्ट हो रहे हैं इससे आपकी सोशल आपके सोशल मीडिया पे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर चल रही है लोगों को मार दो इस तरह से बच्चियां उठा लो इस तरह से जुल्म करो ये स्टेट है ये स्टेट है इनकी वन थिंग ये स्टेट है। साढ़े 3 साल में आपने तमाम ऑपोजिशन को बंद किया क्या आवाम को बंद किया उसमें क्या आवाम के साथ कोई जुल्म किया शामिल थे क्या आवाम के साथ कोई जातियां की ये इन्होंने तो पकड़ के आवाम के साथ जातियां की मेरी कौम के साथ जातियां की मेरे नौजवानों के साथ जातियां की। क्वेश्चन है जी मेरा नाम सैयद मोहम्मद जान अली है। आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है जो कि यंग जनरेशन है जिसमें हम ये सारे जितने भी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कोई शूटिंग कर रहा है कोई मजाक कर रहा है कोई अपने हक के लिए रो रहा है कुछ ऐसा करें कि आवाम को बाहर ना जाना पड़े तो कर तो देते हैं दफा 144 लगा देते हैं इसका इसका भी बताते हैं आपको पाकिस्तान की कम अज कम जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होना है। उस्मान साहब क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए बाहर लोग लॉन्चेस में जाते हैं उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं वो मर मरा जाते हैं उनको इतनी एक्सप्लॉइट किया जाता है आपके मुल्क में हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा सवाल आपसे है 26वीं तरमीम के मुतालिक सवाल है कि आखिर कब तक हम रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करते रहेंगे एक फर्द और एक जमात को फायदा देने के लिए। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो 2006 से उस पर काम हो रहा है आज से नहीं हो रहा है और जब भी कोई आईनी तरमीम आनी होती है तो बड़ा मुश्किल काम होता है इसीलिए आईन कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते और सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया बशमूल पीटीआई के एक स्पेशल पार्लियामानी कमेटी बनी मैं आपको बता रही हूं जिसकी 10 मीटिंग्स हुई आपको ये पता होना चाहिए उन 10 मीटिंग्स में तमाम पार्टीज बैठी हुई थी पार्लियामेंट में जो थी इनके समेत ये बच्चे बार बार पूछते हैं मुझे अभी इधर एक दो बच्चों ने भी पूछा मौलाना साहब को डीजल कहना है कि नहीं कहना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह साबित किया कि अगर मुल्क के लिए कोई चीज बेहतर होने जा रही है उसका साथ देना चाहिए तो फिर आप यूटर्न क्यों ले एक मिनट रहा है आपको साथ बैठना चाहिए एक मिनट बीबी एक मिनट जरा इख्तलाफात देखे ना एक तरफ छोड़ के इख्तलाफात छोड़ के
हमने कहा अगर आईनी बेंच बने चले, इनको तो पता नहीं है मैं क्योंकि 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे, आपको हर चीज पता, 9 महीने लगे थे, 9 महीने अकेले कुल है, आप अकेले कुल है, आप वकील नहीं है ना, लॉजिक से सुनना चाहिए और लॉजिक से लॉजिक में सुनने की तो हिम्मत नहीं है, बाद आपको रिस्पॉन्ड करना लॉजिक में सुनने की हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मल बनीन है और मेरा ताल्लुक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है। मेरा मैम उस्मा आपसे सवाल ये है कि आए रोज यहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है, मतलब मैं एक फ्रीलांसर कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई पीटीआई का जलसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप लोग इंटरनेट बंद कर देते हो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक टर्म शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मशहूर हुई है कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो मेरा सवाल ये है कि इस हाल तक हमें पहुँचाया किसने, इन पॉलिटिशियंस ने ना, तो उसके बाद यही टर्म अगर आप आवाम के लिए यूज़ कर रहे होते हो तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। पहले इंटरनेट का जवाब दे दूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप स्टेट के ख़िलाफ़ इतना जहर उगलना शुरू कर देते हैं तो आप रियासत को कमज़ोर कर रहे होते हैं। आपके जो दुश्मन बैठे हैं ना ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो आपको हड़प करने के लिए तैयार हैं इस वक्त, तो आपने अगर अपने इदारों को कमज़ोर करना है और आपके जो सिक्योरिटी के जो ख़ास तौर पे जो इदारे हैं उनको आपने जिज ही पहुँचानी है, तो फिर ठीक है आप जो मर्ज़ी करें ये, लेकिन रियासत जो है वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी हुई ना, लेकिन ये आपने खुद करवाया है, हमने अपनी बेवकूफियों से ये यहाँ तक ये मामला पहुँचाया है। चलें, इस जवाब के बाद आपको समझ आ गई है कि ये गवर्नमेंट है। आपने दोनों साइडों की गुफ्तगू सुनी, आप किसकी बात से एग्री करते हैं, किस जमात से एग्री करते हैं, एक छोटा सा पोल हम करना चाहेंगे, आप में से कितने लोगों की राय है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोगों की राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? थैंक यू सो मच। आपने मुकम्मल वीडियो देखी, आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने कैसे सवालात पूछे कि आखिर कब तक रात के अंधेरे में हम एक फ़र्द को फ़ायदा देने के लिए ऐसी आईनी तरमीम करते रहेंगे और कब तक हमारे मुल्क में लोगों की आवाज़ को दबाने का काम होता रहेगा। जब भी पीटीआई का धरना होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिससे उन लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है जो फ्रीलांसिंग करते हैं। इन तमाम सवालों के आपने देखा कि उज़्मा किरदार के पास किसी किस्म का कोई जवाब ना था और वो ऐसे सवालात सुनकर आपने देखा कि कितना गुस्से में आ गई और अपना गुस्सा उसने अज़र सदीक पर निकाला। नाज़रीन, आप इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।